हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हैं अरविंद ठाकुर सर क्लासेस। इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा एसिडिटी के स्ट्रेंथ। वैसे एसिडिटी के स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो इनऑर्गेनिक एसिड्स का होता है उसको फिजिकल केमिस्ट्री के आयनिक मीडियम चैप्टर में पढ़ाया जाता है और उसके वीडियो में बताया भी हूं। यहां पे इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे ऑर्गेनिक एसिड के एसिडिटी के स्ट्रेंथ का आप लोग डिस्कशन करेंगे। वैसे तो हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड डिसाइड कर रखे हैं। थ्योरेटिकली हम लोग मानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड वह है जो वाटर में जाकर के 100% डिसोसिएट हो और वीक एसिड वह है जो वाटर में जाकर के 100% डिसोसिएट नहीं होता है। वीक एसिड वाटर में जाकर के पार्शियली डिसोसिएट होता है और अपने डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएटेड फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। दिस इज आवर नॉर्मल एजम्पशंस एंड डेफिनेशन। बट एक्चुअल में दुनिया में कोई भी ऐसा एसिड नहीं होता है जो 100% डिसोसिएट हो। फिर भी हम लोग मान लेते हैं कि जिसको भी स्ट्रांग बोला जाता है वो 100% डिसोसिएट होता है और जो एसिड हमारे स्ट्रांग नहीं है वो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, वो पार्शियली डिसोसिएट होता है और अपने डिसोसिएटेड फॉर्म एंड अनडिसोसिएट फॉर्म के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। ये सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। यहां मैं आपको एसिडिफिकेशन पढ़ा रहा हूं ऑर्गेनिक एसिड्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारे एसिड्स हैं ऑलमोस्ट हमारे एसिड्स वीक एसिड के कैटेगरी में आते हैं और आपका एवरेज एसिड की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे हम लोग यह नहीं पढ़ेंगे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन वीक एसिड है, वो तो कोई नहीं बता सकता है किसी कंपाउंड एसिड को देख करके कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। हाँ, अगर आपको पहले से पता नहीं है तो जैसे मैं आपको बता रखा हूं आयनिक इक्विलिब्रियम में कि हमारा मिनरल एसिड्स H2SO4 HCl एंड HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसके अलावा HClO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में अगर पहले से पता है तो आपको पता है। ऐसे किसी अननोन एसिड को अगर मैं देखकर आपसे पूछूं कि बताओ ये स्ट्रॉन्ग एसिड है कि नहीं है तो यू कांट आंसर, नो वन कैन आंसर दिस राइट, क्योंकि उसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। लेकिन हम लोग मोर देन वन एसिड अगर हमें दिया हुआ है तो वी कैन अरेंज देम इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। मीन्स हम लोग मोर देन वन एसिड के रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ का स्टडी कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग यही पढ़ते हैं रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। मोर देन वन एसिड दिया रहेगा और वहां पर बताना होगा कि अमोंग दीज एसिड्स विच इज मोस्ट एसिडिक एंड विच इज लिस्ट एसिडिक। तो हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स को पढ़ने जा रहे हैं और उनके रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को डिफाइन करेंगे कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीकर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, रेगुलरली एग्जाम्स में आपके जेई मेन हो या नीट हो या एडवांस हो रेगुलर इस सेक्शन से क्वेश्चन आता है। बोर्ड में थोड़ा बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है इस सेक्शन से क्योंकि हमारे बोर्ड का ट्वेल्थ बोर्ड का जो सिलेबस है उसमें काब्जिलिक एसिड ट्वेल्थ बोर्ड में ही है, इसलिए बोर्ड में भी आता है और जेई मेन नीट एडवांस में तो आना फिक्स है। तो देखते हैं यहां पर हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा। तो देखो जी, कोई भी हमारा एसिड है जैसे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया का कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत पॉपुलर एसिड है। मैं इसी के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें बोलूंगा जिसके अंडर सब कुछ आ जाएगा। अब कोई एसिड अगर है तो उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग कब बोले, मोर देन वन एसिड में दिया हुआ है तो किसको मानेंगे कि स्ट्रॉन्गर है किसको मानेंगे वीकर है। तो उसका सिंपल क्राइटेरिया है एसिड बेस का सबसे पहला थ्योरी है आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी। उसके अकॉर्डिंग एसिड वह है जो वाटर में H+ रिलीज करता है। उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं जो एसिड जितना क्विकली इजिली H+ प्रोड्यूस करेगा वो उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और जो एसिड जितना लेट से H+ प्रोड्यूस करेगा जितना डिफिकल्टी से H+ प्रोड्यूस करेगा वह एसिड उतना ही पुअर एसिड होगा। मतलब आवर क्राइटेरिया ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज इजी अवेलेबिलिटी ऑफ H+ इज कॉल्ड एसिडिक स्ट्रेंथ। जो एसिड जितना इजिली H+ प्रोड्यूस करेगा वह एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि जो हमारा एसिड है ये इजिली H+ कब प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो एसिड जितना इजिली H+ प्रोड्यूस करेगा वह एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर होगा। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ
मीन्स एच प्लस कितना इजिली रिलीज करेगा इस पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे डिपेंड करता है जिसको हम एसिडिकेशन बोलते हैं। जो एसिड जितना क्विकली इजिली एच प्लस प्रोड्यूस करेगा वह एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। अब कोई एसिड स्ट्रॉन्गर है तो किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? हाउ कुड यू डिसाइड दिस एसिड विल प्रोड्यूस एच प्लस इजिली एंड दिस एसिड विल प्रोड्यूस एच प्लस विथ डिफिकल्टी? कैसे पता करेंगे? तो उसका तरीका यह है कि एसिडिक एसिड दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एसिडिक एसिड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। एसिडिक एसिड डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग टू फैक्टर्स। पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन कनेक्टेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हमारा एसिडिक हाइड्रोजन जिस एटम से कनेक्टेड रहता है उस एटम पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। पहला फैक्टर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी एट हाइड्रोजन कनेक्टेड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इसके बारे में मीन्स यही ऑक्सीजन है जो हाइड्रोजन कनेक्टेड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। अब इस ऑक्सीजन पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस एसिड का एसिडिकेशन उतना ही ज्यादा होगा। एक एसिड ही तो हमारे ऑक्सीजन पे जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हमारा ऑक्सीजन बहुत क्विकली, बहुत रेडिली, फास्टली हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ऑक्सीजन के पास तो हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस तरीका से हमारा यह हाइड्रोजन क्विकली इजिली एच प्लस के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो क्लियर सी बात है, हाइड्रोजन कनेक्टेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जितना इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। सेकेंड फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। अब देखो ये हमारा एसिड है, इससे जब एच प्लस रिलीज होगा, एच प्लस जब बाहर निकालेगा तो एच प्लस रिलीज करने के बाद क्या बचेगा? कार्बोक्सिलेट एनायन। यह हमारा एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस हुआ। अब कंजुगेट बेस अगर मोर स्टेबल होगा, क्योंकि आप ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड बेस थ्योरी पढ़े हो, आयोनिक इक्विलिब्रियम में उसके वीडियो में बना दिया हूं, आप देख सकते हो कि किसी भी एसिड से एच प्लस निकलने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं, जो बनता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। तो यह हुआ कंजुगेट बेस हमारे इस कब्जिलिक एसिड का। तो कंजुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड को अपने कंजुगेट बेस के फॉर्म में जाने का उतना टेंडेंसी होगा। और हमारा एसिड जब कंजुगेट बेस के फॉर्म में जाएगा तब बाहर क्या रिलीज करेगा? एच प्लस। तो इस तरीका से जितना ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होगा उतना ज्यादा हमारा एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, मीन्स हमारा एसिड उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। तो क्लियर सी बात है, ये दोनों फैक्टर पे हमारा डिपेंड कर रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ। अब पॉइंट यह है कि ये दोनों फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अब आप देखो बाबू, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इससे अल्काइल लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप है, मीन्स इस कार्बन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप आप लगा दो तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो घटेगा। अगर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप मिल जाए इस कंपाउंड में, कार्बोक्सिलेट ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप आप कनेक्ट कर दोगे
तो उसके वजह से इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी जो ऑक्सीजन का है वो कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑक्सीजन का कम हो जाएगा तो हमारा ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी कम कर देगा और इस वजह से एच प्लस के बाहर निकलने का चांस कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारे सीडी के स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। सेकेंडली इधर भी देख लो कंजुगेट बेस को भी, आप सबको मैं पढ़ाया हूं इससे पहले वाले वीडियो में कि एनायन अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहता है। इफ यू वांट टू स्टेबलाइज एनायन देन यू हैव टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनायन, क्योंकि इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन उसका विड्रॉ करना होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के लिए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाना होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एनायन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है वह ऑक्सीजन पे मीन्स हाइड्रोजन कनेक्टेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी भी बढ़ा रहा है और कंजुगेट बेस के स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, मीन्स दोनों को इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, क्योंकि दोनों फैक्टर को इंक्रीज करता है। और इस तरीके से ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास है -I -M दोनों ही हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो जो भी ग्रुप -I -M इफेक्ट शो करता है उसको अगर कनेक्ट करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑल -I -M ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा तो नेचुरल है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब चलिए यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पढ़ते हैं। यह हमारा फॉर्मिक एसिड है, यह एसिटिक एसिड है, यह हमारा प्रोपियोनिक एसिड है, यह ब्यूटायरिक एसिड है जो बटर में रहता है, वैलेरिक एसिड है। अब यहां पे आप गौर से देखो, सब में एसिडिक पार्ट है, कार्बोक्सिलिक पार्ट यही है। इस एसिड में, इस एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में हाइड्रोजन लगा हुआ है, जिस हाइड्रोजन के पास कोई इफेक्ट नहीं होता, जन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना विड्रॉ कर सकता है। लेकिन यहां पे CH3 लगा हुआ है जिसके पास प्लस इफेक्ट होता है। हमारा CH3 पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक एसिड को डिक्रीज करेगा, इसलिए फॉर्मिक एसिड से कम एसिडिक कौन होगा, एसिटिक एसिड। अब आप आइए यहां पे प्रोपानोइक एसिड में, यहां पे हमारा यह इथाइल लगा हुआ है, इसका प्लस इफेक्ट इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको मैं बताया हूं अल्काइल का जो प्लस इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर होता है, उसके हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। अल्काइल के पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा उसका एसिडिक एसिड उतना ही ज्यादा होगा, इसलिए इससे स्ट्रॉन्गर प्लस इफेक्ट वाला यह हुआ। और प्लस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, क्योंकि -I -M इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा, तो इससे भी लेस एसिडिक यह होगा, इससे भी लेस एसिडिक यह होगा, क्योंकि यहां पे प्लस इफेक्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, इससे भी लेस एसिडिक यह होगा, क्योंकि यहां प्लस इफेक्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल में हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे अल्काइल को का प्लस इफेक्ट भी बढ़ता है। तो क्लियर सी बात है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है और इस तरीके से ऊपर से नीचे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, राइट। यहां एक और बात मैं बताना चाहूंगा, आजकल हम लोग एसिड के एसिडिक स्ट्रेंथ को उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट के लॉग के फॉर्म में, मीन पीके के फॉर्म में ही पढ़ते हैं, तो यहां पे पीके के वैल्यू देखकर भी आपके पास समझ में आ जाएगा कि यही ऑर्डर होगा। पीके ऑफ फॉर्मिक एसिड, पीके ऑफ फॉर्मिक एसिड होता है
3.77 एंड पी के ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 4.76 होता है। तो आप देख लो, मैं आप सबको पढ़ाया हूं, जिसका पी के जितना ज्यादा होगा एसिडिक एसिड उतना ही कम होगा, क्योंकि जिसका के जितना ज्यादा होगा उसका पी के उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पी के क्या होता है, पी के होता है निगेटिव लॉग के। अगर के हाई होगा तो पी के क्या होगा, लो हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव लगा हुआ है, और के जितना ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होता है, ज्यादा होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, ये भी बढ़ेगा। मींस पी के फॉर्म में भी हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ को आजकल स्टडी करते हैं। तो यहां पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि फॉर्मिक एसिड का पी के सबसे कम है, इसलिए फॉर्मिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक है। ओके जी, अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये एसिटिक एसिड है, क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया। इस बार एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा, एसिडिक एसिड ज्यादा होगा सबका, क्यों, क्योंकि एसिडिक एसिड में CH3 लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करता है, जबकि इसमें फ्लोरीन लग गया, फ्लोरीन एक माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, मीन्स फ्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन निगेटिव ग्रुप, इलेक्ट्रॉन निगेटिव आइटम है, जिसकी वजह से उसके पास स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट होता है, और यहां पे सीएल के पास माइनस इफेक्ट होता है, बीआर के पास माइनस इफेक्ट होता है, आई के पास माइनस इफेक्ट होता है। तो क्लियर सी बात है, एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक सब होगा, लेकिन इन चारों में जो हमारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, तो फ्लोरीन का माइनस इफेक्ट हाईएस्ट होगा, और इसका एसिडिक एसिड भी क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। इससे कम क्लोरीन वाले का होगा, उससे कम ब्रोमीन वाले का होगा, उससे कम आयोडीन वाले का होगा, सबसे कम हमारा एसिडिक एसिड का होगा। तो यहां पे अगर ऑर्डर डिसाइड करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फिफ्थ एसिडिक स्ट्रेंथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ तो सबसे कम होगा हमारे एसिड फर्स्ट का, लिस्ट होगा फर्स्ट का, फर्स्ट से ज्यादा होगा फाइव, फाइव से ज्यादा फोर, फोर से ज्यादा थर्ड, थर्ड से ज्यादा सेकंड। ओके जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, कोई आपसे पूछे CH3 CH2 COH तीसरा CH, देखो जी इनके एसिडिक से कंपेरिजन करना है। यहां पे इस COH ग्रुप में हमारा इथाइल लगा हुआ है, जिसके पास प्लस इफेक्ट होता है, यह एसिडिक एसिड को डिक्रीज करेगा। यहां पे यह हमारा इथिन लगा हुआ है, एल्किन लगा हुआ है, और sp2 कार्बन है, मैं सिखाया हूं sp2 कार्बन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, जिसकी वजह से इसके पास माइनस आई इफेक्ट होता है, और ये इस तरीका से इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करता है, जिसकी वजह से एसिडिकेशन बढ़ जाता है। यहां पे आप देख रहे हो ट्रिपल बॉन्ड है, sp कार्बन है, sp कार्बन के इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी तो और ज्यादा होता है, इसलिए यह ए भी इलेक्ट्रॉन को भी ड्रॉ करेगा अपने तरफ, और इसके पास ही माइनस आई इफेक्ट हो जाता है। लेकिन sp2 से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव sp होता है, इसलिए इस
इथिनाइल का माने से इफेक्ट से स्ट्रॉन्गर होगा इथाइनाइल का माने से इफेक्ट, और इस तरीका से ऊपर से नीचे क्या बढ़ जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जी CH3 O CH2 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 COH, पहला क्वेश्चन, सेकंड CH3 CH2 O CH2 CH2 COH, तीसरा CH3 CH2 CH2 O CH2 COH, फोर CH3 CH2 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 COH, राइट। अब यहां पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है, आप वीडियो को पॉज करें खुद से करना। अब देखो जी इसमें एक पूरा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है हमारे सीओएच में, यहां पे एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बस माने से इफेक्ट होता है, यहां पे आई ऑक्सीजन और करीब हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, और माने से इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, जिसके ऊपर इफेक्ट देखना है उससे जितना दूर होगा माने से ग्रुप उसका इफेक्ट उतना ही कम होगा, तो इससे ज्यादा करीब ऑक्सीजन इसमें आ गया तो यहां पर माने साई जो होगा वो इससे स्ट्रॉन्गर होगा, यहां पर ऑक्सीजन और करीब चला जाएगा, चला गया सीएच ग्रुप के, तो इसका माने साई इफेक्ट और स्ट्रॉन्गर हुआ। लेकिन जब यहां पे आ जाएगा ऑक्सीजन तो अब ये ऑक्सीजन एसपी टू कार्बन से कनेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास माने साई इफेक्ट हमेशा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कार्बन ज्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है, जैसे ही वो एसपी टू कार्बन से कनेक्टेड होगा कार्बोक्सिलिक कार्बन से कनेक्टेड होगा तुरंत यहां पे लोन पेयर डोनेट करके पाई बॉन्ड फॉर्म करना शुरू कर देगा, मीन्स पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शुरू हो जाएगा, और पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को शार्पली डिक्रीज करेगा, और इस तरीका से हमारा फोर्थ कंपाउंड लिस्ट एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वह सबसे कम एसिडिक होगा फोर्थ, उससे ज्यादा होगा फर्स्ट, उससे ज्यादा होगा सेकंड, सबसे ज्यादा होगा थर्ड। ओके जी, इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ हुआ यह। अब और आगे बढ़ते हैं हम लोग, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, वाटर अल्कोहल के बीच की एसिडिक स्ट्रेंथ हम लोग देखने जा रहे हैं। हमारा वाटर अल्कोहल से स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, वाटर को हम लोग न्यूट्रल सॉल्वेंट के तौर पर ट्रीट करते हैं, लेकिन वाटर अपना एसिडिक बेसिक नेचर शो कर सकता है। अगर कोई कंपाउंड वाटर से लेस एसिडिक है तो उसके प्रेजेंस में एसिड जैसे बिहेव करता है, अगर कोई कंपाउंड वाटर से मोर एसिडिक है तो उसके प्रेजेंस में हमारा वाटर बेस से बिहेव करता है, तो हमारा वाटर के पास एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। तब देखो यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, देखो जी वाटर के पास भी दो दो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से, तो हमारा वाटर बीएच प्लस रिलीज करता है और OH- बन जाता है। हमारा जो अल्कोहल है
आर ओ एच रहता है, ये भी यहां से इस प्रेस बाहर निकलता है और अल्कोक्साइड आयन बन जाता है। राइट, यह हमारा एसिड है, यह कंजुएट बेस है, यह एसिड है, यह कंजुएट बेस है। राइट, अब यहां पे हमारे वाटर और अल्कोहल में डिफरेंस क्या है कि वाटर में इस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने का लेने का कोई पावर नहीं होता है, लेकिन अल्कोहल में जिस ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है या हाइड्रोजन कनेक्टेड मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अल्काइल लगा हुआ है जिसके पास प्लस इफेक्ट होता है, प्लस इफेक्ट की वजह से अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे वाटर से क्या होता है, कम हो जाता है। अब यहां आइए, कंजुगेट बेस के फॉर्म में बोल सकते हो, हमारा OH माइनस अल्कोक्साइड आयन में अल्कोक्साइड आयन का स्टेबिलिटी कम होगा क्योंकि यहां पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास प्लस इफेक्ट होता है। हमारा अल्कोक्साइड आयन पहले से एनायन है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी लो है, अब इसमें अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है जो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो रहा है, मतलब वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक इसलिए हुआ। उसका दो रीजन, पहला रीजन यह है प्लस इफेक्ट ऑफ अल्काइल, दूसरा रीजन यह है कि हमारा अल्कोक्साइड आयन से मोर स्टेबल कौन होता है, OH माइनस। क्यों मोर स्टेबल हुआ, सेम रीजन, यहां प्लस इफेक्ट ग्रुप लगा हुआ है जो एनायन को और इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और डिस्टेबलाइज करेगा। तो इस तरीका से हमारे अल्कोहल और वाटर में मोर एसिडिक कौन हुआ, वाटर एसिडिक स्ट्रेंथ। इस टर्म को आप सब याद रखना, वाटर हमारे अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है, अल्कोहल। लेकिन एक्सेप्शनली, एक्सेप्शन यह है, इससे एक्सेप्शन यह है कि हमारा मेथनॉल जो मिथाइल अल्कोहल है वो सिंगल ऐसा अल्कोहल है जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से स्लाइटली ग्रेटर होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल अल्कोहल एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज हायर देन वाटर, वाटर से ज्यादा होता है। केवल एक मिथाइल अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होता है, बाद में सबका एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होता है। ओके, मिथाइल अल्कोहल को छोड़कर के बाद में सभी अल्कोहल का एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे वाटर से लेस होता है। अब हमारे अल्कोहल में भी तो कई तरह के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तो उनका एसिडिक स्ट्रेंथ आपस में देख लेते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल का ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी कार्बन से कनेक्टेड अगर OH है तो प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अल्कोहल का शॉर्ट फॉर्म ALC, यह हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, यह हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है, देखो जी यहां पे एक अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ग्रुप एक है, यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या वो कम होगा। यहां पे तीन तीन लगा हुआ है हमारा प्लस आई ग्रुप, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा होगा इससे कम ही होगा, सबसे कम ही होगा। ओके जी, अब हम लोग कंपेरिजन करने जा रहे हैं फिनॉल एंड वाटर के एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल एंड वाटर। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड वाटर,
यह हमारा फिनॉल है, और ये हमारा वाटर है। फिनॉल से इस प्रेजेंट निकलेगा तो बनेगा फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन। जो एक कंजुगेट बेस है इसका फिनॉल का, वाटर से बेस प्लस बाहर निकलेगा OH माइनस बनेगा हाइड्रोक्सिल अनायन। राइट, देखो जी इस फिनॉल में जिस कार्बन में जिस ऑक्सीजन में हाइड्रोजन लगा हुआ है उस ऑक्सीजन में पीएच लगा हुआ है, पीएच के पास माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट की वजह से एसिडिक बढ़ा देगा फिनॉल। सेकेंडली फिनॉल का जो कंजुगेट बेस है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जबकि हमारे वाटर का कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता है, और हम लोग जानते हैं किसी भी एसिड का कंजुगेट बेस अगर मोर स्टेबल हो गया तो एसिड क्या होगा स्ट्रॉन्गर होगा, तो यह हमारा जो कंजुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। राइट, यही वजह है कि हमारा फिनॉल वाटर से मोर एसिडिक होता है। पहला रीजन यह है फिनॉल के फिनाइल के पास माइनस इफेक्ट होता है जो एसिडिक बढ़ाता है, दूसरा रीजन यह है कि फिनॉल का कंजुगेट बेस फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है व्हाइल कंजुगेट बेस ऑफ वाटर इज नॉट। ओके जी, अब मैं कुछ जो कॉमन कंपाउंड है उनके एसिडिकेशन का ऑर्डर लिख दे रहा हूं, आप याद रखना एग्जाम में इस पे रेगुलरली क्वेश्चन आते रहता है। अब ये तो क्लियर हो गया, ये हमारा फिनॉल है जो वाटर से मोर एसिडिक होगा, हमारा वाटर है जो अल्कोहल से मोर एसिडिक होगा, हमारा अल्कोहल है जो एसपी कार्बन पे जो हाइड्रोजन रहता है उससे मोर एसिडिक होता है, और ये हमारे अमोनिया के ऊपर जो हाइड्रोजन है उससे मोर एसिडिक होता है। यह जनरल एसिडिकेशन का ऑर्डर है, आप याद रखना आप सब एसिडिक स्ट्रेंथ, इस पे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ओके जी, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, और वह है एसिडिक कंपेरिजन इन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड एसिटिक एसिड, फिनॉल एंड एसिटिक एसिड के एसिडिकेशन पे कंपेरिजन। एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आ चुका है पूरा प्रॉपर रीजन के साथ कि फिनॉल का जो कंजुगेट बेस है, फिनॉल का जो कंजुगेट बेस है इससे एच प्लस निकलने के बाद बन जाता है फिनोक्साइड आयन, रेजोनेंस करता है और एच प्लस प्रोड्यूस किया। जब हमारा एसिटिक एसिड यहां पे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड जब एच प्लस निकलता है, एच प्लस निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बना एसिटेट आयन। अब देखो जी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि हमारा फिनॉल एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड कैसे हो जाता है, जबकि फिनॉल का कंजुगेट बेस फिनोक्साइड आयन के पास ज्यादा कैनोनिकल और एजोटिक स्ट्रक्चर है इन कंपेरिजन टू
कंजुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड एज एसिटेट आयन, मीन्स एसिटेट आयन के पास इतना कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, उससे ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर फिनोक्साइड आयन के पास है। और आपको पता है कि रिजोनेटिंग कंपाउंड, अगर कोई कंपाउंड रेजोनेंस कर रहा है तो उसके पास जितना ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा, जितना ज्यादा उसके पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहां पे फिनोक्साइड आयन के पास दो पांच पांच कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, आप देखे हो रेजोनेंस करा करके, लेकिन एसीटेट आयन के पास दो ही होता है। हमारा एसीटेट आयन यह है, इसके पास दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, इधर शिफ्ट करेगा इधर शिफ्ट हो जाएगा, दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, राइट। जबकि फिनोक्साइड आयन के पास फाइव फाइव कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगा। तो क्वेश्चन यह पूछता है कि लेस नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर होने के बावजूद हमारा एसिटिक एसिड हमारे फिनोल से स्ट्रॉन्गर एसिड कैसे होता है? तो उसके पीछे रीजन यह है कि राइट है कि एसिटेट आयन के पास दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर किसी कंपाउंड के पास, किसी भी रेजोनेटिंग कंपाउंड के पास अगर दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और दोनों आइडेंटिकल है, तो उस केस में हमारे कंपाउंड का स्टेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होता है। वही वजह है कि एसिटेट आयन का दोनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिकल है, और ऑक्सीजन जैसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में निगेटिव है भी और मोर स्टेबल भी है, इसी वजह से एसिटेट आयन का स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है और क्रस्पॉन्डिंग हमारा एसिटिक एसिड क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। तो इसका आंसर यही फाइनली हुआ कि एसिटेट आयन के पास दो ही कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल है, जिसकी वजह से उसका स्टेबिलिटी फिनोक्साइड आयन से ज्यादा हो जाता है, जबकि फिनोक्साइड आयन के पास फाइव फाइव कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन पांचों आइडेंटिकल नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमारा एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड बन जाता है। ओके जी, तो यह हो गया हमारा फिनोल और एसिटिक एसिड में कंपैरिजन। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिनोल का एसिटिक एसिड, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने फिनोल का एसिटिक स्ट्रेंथ और फिनोल डेरिवेटिव्स का। हमारा जो फिनोल होता है वो भी एसिटिक बिहेवियर शो करता है, लेकिन अभी आपने बताया भी आपको कि फिनोल का एसिटिक स्ट्रेंथ जो होगा हमारे एसिटिक एसिड से बहुत कम होगा, जो कब्जेलिक एसिड है। फिनोल का एसिटिक स्ट्रेंथ हमारे एसिटिक एसिड से कम होता है, लेकिन हमारा फिनोल भी एसिटिक होता है। तो यहां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फिनोल के एसिटिक एसिड का ऑर्डर क्या होगा, मीन फिनोल डेरिवेटिव का। तो फिनोल का पीके 9.95 होता है, आप देख रहे हो वेरी हाई है, मीन फिनोल का एसिटिक स्ट्रेंथ हमारे एसिटिक एसिड से बहुत कम है, क्योंकि एसिटिक एसिड का मैं आपको पीके बताया हूं, एसिटिक एसिड का पीके होता है 4.76। आप कंपेयर कर लो कि हमारे एसिटिक एसिड से फिनोल कितना कम एसिटिक होगा, तो फिनोल हमारे एसिटिक एसिड से बहुत कम एसिटिक होता है, लेकिन फिनोल भी एसिटिक होता है। अब यह फिनोल है, इसमें टू ग्रुप लग गया, आपको मैं बताया हूं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिटिक एसिड को इंक्रीज करेगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो यह एनओ2 ग्रुप है, इसके पास माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस इफेक्ट होता है, ये अपने माइनस एम दोनों से एसिडिक एसिड को इंक्रीज करेगा। जब एनओ2 मेटा पे होगा तो मैं बताया कि मेटा रिलेटेड ग्रुप का मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मेजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट नहीं होता है, क्योंकि मेजोमेरिक इफेक्ट का ओनली ऑर्थो पैरा पोजिशन पे इफेक्ट होता है, एनओ2 के मेटा पोजिशन पे है, तो इसका मेजोमेरिक इफेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं है, मीन्स इस बार माइनस इफेक्ट ऑपरेट नहीं होगा, ओनली माइनस आई होगा। मीन्स जब एनओ2 हमारा मेटा पोजिशन पे होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा और एसिडिक स्ट्रेंथ को इनहेंस करेगा। जब पैरा पे आएगा तो फिर माइनस एम दोनों इफेक्ट होगा और इस तरीका से हमारा ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ तीनों में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दीज थ्री विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट। फिनोल से ज्यादा एसिडिक तीनों होगा। अब इन तीनों में कंपैरिजन करना है, तो सेकेंड और फोर्थ में जो एनओ2 ग्रुप लगा हुआ है
वो माइनस आई माइनस एम दोनों इफेक्ट शो कर रहा है, तो सेकेंड और फोर्थ एसिडिक स्ट्रेंथ थर्ड से पक्का ज्यादा होगा, क्योंकि थर्ड कंपाउंड में टू ग्रुप ओनली इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर रहा है। इसलिए जब NO2 मेटा पे होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम विड्रॉ करेगा और इस तरीका से एसिडिक स्ट्रेंथ को सबसे कम इंक्रीज करेगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर हम लोग देखेंगे यहां पे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा सेकेंड और फोर में सेकेंड है, क्योंकि मैं आप सबको बता रखा हूं पहले वाले वीडियोज में कि मेजोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो पाई बॉन्ड पे ऑपरेट होता है और वह डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। तो हमारा ग्रुप ऑर्थो पे हो या पैरा पे हो, मेजोमेरिकली वो इक्वल इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जब हमारा NO2 ग्रुप ऑर्थो पे होगा तो माइनस आई स्ट्रॉन्गर होगा, और जब NO2 ग्रुप पैरा पे होगा तो माइनस आई वीकर होगा। इसलिए जब ऑर्थो पे हमारा NO2 ग्रुप होगा तो माइनस आई स्ट्रॉन्गर होने की वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जब पैरा पे होगा हमारा NO2 ग्रुप तो माइनस आई वीक होगा, और माइनस आई से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है क्योंकि माइनस आई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। इसलिए फोर्थ का एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगा उससे ज्यादा होगा सेकेंड का रूल के मुताबिक। लेकिन यहां पे एक एक्सेप्शनल फिनोमेना होता है, और एक्सेप्शनल फिनोमेना यह होता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो इस कंपाउंड का नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग मीन्स यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कनेक्ट अट्रैक्ट हो जाता है एच बॉन्ड से अट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। आप सबको पता होना चाहिए कि एसिडिक हाइड्रोजन अगर इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड फॉर्म कर लेगा तो एसिडिक हाइड्रोजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड से अट्रैक्ट हो गया। हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन से पहले से कनेक्टेड है, एक और बॉन्ड से अट्रैक्टेड हो गया, इसलिए इस हाइड्रोजन को बाहर निकलने का चांस कम हो जाता है और एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। मींस अगर किसी कंपाउंड का एसिडिक हाइड्रोजन एच बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया तो उस एसिडिक हाइड्रोजन का बाहर निकलने का चांस कम हो जाता है और उसका एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है। यही वजह है कि सेकेंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ से स्लाइटली कम हो जाता है और ऑर्डर यह बन जाता है। सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा थर्ड होगा, थर्ड से ज्यादा एसिडिक सेकेंड होगा, सेकेंड से ज्यादा एसिडिक फोर्थ होगा। ऐसे नियम तो सेकेंड को होना चाहिए था, लेकिन इंट्रा मोलिकुलर एज बॉन्डिंग की वजह से सेकेंड का एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा हमारे फोर्थ से कम हो जाता है और ऑर्डर देखो क्या हो जाएगा। सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया फोर, फोर्थ से कम सेकेंड, सेकेंड से कम थर्ड, थर्ड से कम फर्स्ट। ओके जी, इस ऑर्डर को इनका एक्सपेरिमेंटल पीके का वैल्यू सपोर्ट भी कर रहा है। आप देख लो फिनॉल का सबसे ज्यादा है, उससे कम किसका है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, उससे भी कम है किसका पैरा का, इसलिए पैरा सबसे ज्यादा एसिडिक हुआ। मेटा का जो पीके का वैल्यू है वो हमारे ऑर्थो वाले से थोड़ा सा ज्यादा है, और इस वजह से आप देख रहे हो कि थर्ड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो हमारे सेकंड से कम है, लेकिन थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से क्या है ज्यादा है। तो इस तरीका से एक्सपेरिमेंटल पीके का वैल्यू थ्योरिटिकल जो मैं फैक्ट बताया हूं उसको एक्सप्लेन कर रहा है, मीन्स जस्टिफाई कर रहा है। अब इन दोनों के पास आइए, जब दो NO2 ग्रुप लगा दोगे तो पक्का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगा। यही वजह है कि दो NO2 लगने के बाद इसका एसिडिक स्ट्रेंथ 4.01 के इक्वल हो गया, मीन्स अब यह कंपाउंड हमारे एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड बन गया। अगर आप हमारे फिनोल के तीनों ऑर्थो पैरा पोजिशन पे NO2 लगा दोगे, इसको बोलते हैं ट्राई नाइट्रोफिनॉल बोलते हैं, तो यह कंपाउंड बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है। तीनों NO2 इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करता है, इसकी वजह से इसके पास ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बहुत बढ़ जाता है और ऑक्सीजन तुरंत हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और H+ इजिली रिलीज कर देता है। इसी वजह से इस कंपाउंड का नेम हो जाता है एसिड, इसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड बोलते हैं, और ये हाईली रिएक्टिव होता है, तुरंत H+ देना चाहता है, जिसकी वजह से बम बन जाता है, मीन्स एक्सप्लोसिव होता है। ओके जी,
तो इस तरीका से हमारा ट्राई नाइट्रोफिनोल का एसिडिकेशन सल्फ्यूरिक एसिड कंपेरेबल हो जाता है। किसी एसिड का पीके का वैल्यू अगर 1 हो गया तो उसको स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है, इसलिए यह कंपाउंड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपने जैसे फिनॉल में NO2 ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा दिया, तो एसिडिकेशन इंक्रीज हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दोगे तो एसिडिकेशन डिक्रीज हो जाएगा। जैसे आप देखो यहां पे फिनॉल CH3 लगा दिया, राइट। CH3 हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिस वजह से एसिडिकेशन डिक्रीज होगा। जब मेटा पे CH3 होगा तो ओनली प्लस इफेक्ट होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। जब पैरा पे होगा CH3 ग्रुप तो फिर दोनों इफेक्ट होगा, प्लस इफेक्ट भी होगा और हाइपर कंजुगेशन भी होगा। अब देख रहे हो यहां आप सब कि फर्स्ट के बाद जितने भी सेकंड थर्ड फोर्थ कंपाउंड है सब में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लगने से एसिडिकेशन डिक्रीज होगा और यही वजह है कि फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। और फर्स्ट से कम एसिडिक थर्ड होगा, क्योंकि यहां पे CH3 हमारा ओनली इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उससे कम हमारा फोर्थ होगा, क्योंकि यहां पे हाइपर कंजुगेशन तो ऑर्थो पैरा दोनों पे सेम होगा, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो जब पैरा पे होगा तब प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, वीक होगा, जब ऑर्थो पे होगा तो प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, इसलिए हमारे 4 से भी लेस एसिडिक होगा सेकेंड, और ये ऑर्डर हो जाता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंजोइक एसिड का एसिडिकेशन का ऑर्डर। बेंजोइक एसिड देखो, इससे पहले एक बात मैं बता दूं, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हमारा फिनॉल एसिड नहीं है, फिनॉल फिनॉल है, हाँ अलग बात है कि एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, बट फिनॉल को पहले हम लोग कार्बोलिक एसिड बोलते थे, कार्बोलिक एसिड, याद रखना आप, एग्जाम में कई बार आ चुका है अब तक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड, और उसमें लिखा रहता है ऑप्शन ए में कार्बोलिक एसिड, बी में अलग अलग सब एसिड रहता है, कार्बोलिक एसिड फिनॉल का नेम होता है, एसिड नहीं होता है। हाँ एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है लेकिन एसिड के कैटेगरी में इसको काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके एसिडिकेशन वीक होता है, कम होता है। तो अब हम लोग कार्बोलिक एसिड मींस बेंजोइक एसिड के स्टडी करने जा रहे हैं, बेंजोइक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स का। हमारा जो बेंजोइक एसिड है इसके पी के का वैल्यू होता है 4.20, 4.19 भी रहता है कई सारे बुक्स में। अब यहां पे क्या है, ये हमारा बेंजोइक एसिड है और ये हमारा फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड के पी के का वैल्यू होता है 3.77। आप देख लो हमारे फॉर्मिक एसिड से लेस एसिडिक होता है बेंजोइक एसिड, ऐसा क्यों होता है, तो उसके पीछे रीजन यह है कि जो बेंजीन रिंग होता है ना, बेंजीन रिंग हमारा
प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है और माइनस एम भी शो करता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है, और कोई इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो उसका इलेक्ट्रॉन ले भी देता है। यहां पे सीओएच ग्रुप कार्बन डबल लो है, रेजोनेंस करेगा तो कैसे करेगा, पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट कर देगा, कार्बन गैस पॉजिटिव आ गया। तो यह कार्बन गैस पॉजिटिव आ गया तो यह कार्बन कैसे बॉन्ड फॉर्म करेगा, इससे पाई बॉन्ड के बोथ इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट कर लेगा तो यहां पर आ जाएगा निगेटिव और यहां पर पॉजिटिव, पाई बॉन्ड यहां फॉर्म हो जाएगा, उसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा। मतलब हमारा बेंजीन रिंग प्लस इफेक्ट शो करता है, और आपको तो पता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप एसिडिक एसिड क्या करता है, डिक्रीज करता है। यही वजह है कि हमारा बेंजोइक एसिड हमारे फॉर्मिक एसिड से लेस एसिडिक होता है। ओके जी, रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ फिनाइल। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना होता है हमारे बेंजोइक एसिड में, उसका नाम है ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में ऑर्थो इफेक्ट यह है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज ऑलवेज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। दिस फिनोमेना आर दिस इफेक्ट इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। यहां पे ऑर्थो पे जो सब्स्टिट्यूशन है, जो जी है, जी फॉर ग्रुप जी हमारा है, जी कुछ भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, विड्रॉइंग भी हो सकता है, जी मे बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग राइट। यहां पे कोई भी ग्रुप लगा रहे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, ऑल केसेस में यह इफेक्ट होता है। और तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज हायर देन बेंजोइक एसिड, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ओके, अब ऑर्थो इफेक्ट का रीजन क्या है, तो रीजन यह होता है कि यहां पर कोई भी ग्रुप जब लगा रहता है तो उसके वजह से सीओएच ग्रुप के बीच में एस्टेडिक हिंड्रेंस होने लगता है। उस एस्टेडिक हिंड्रेंस की वजह से मोलिकुल का स्टेबिलिटी कम हो जाता है। मोलेक्यूल अपने स्टेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए करता क्या है कि वह सीओएच ग्रुप जो हमारा है, सीओएच ग्रुप जो बेंजीन के प्लेन में है, जो बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर रहा था, जिसके वजह से हमारा फिनाइल यूरिंग था, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, मींस प्लस इफेक्ट शो कर रहा था। रेजोनेंस यहां पर स्टेडिक हिंड्रेंस की वजह से कंपाउंड का स्टेबिलिटी डिक्रीज जाता है। उस स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मींस स्टेडिक हिंड्रेंस को कम करने का एक ही उपाय है, ग्रुप के साइज को छोटा करो, तो कर नहीं सकते हो, ग्रुप बदल दोगे तो कंपाउंड ही बदल जाएगा। दूसरा तरीका है कि दोनों ग्रुप के बीच में, जिसके बीच में स्टेडिक हिंड्रेंस लगता है, डिस्टेंस बढ़ा दो, तो ही यहां पर डिस्टेंस बढ़ जाता है। यह मॉलिक्यूल करता है कि अपने सीओएच ग्रुप को, जो बेंजीन के प्लेन में भी है, स्टेडिक हिंड्रेंस को कम करने के लिए ऐसे कर देता है, बेंजीन के प्लेन से आउट हो जाता है। बेंजीन के प्लेन से सीओएच के आउट होने से सीओएच ग्रुप और बेंजीन रिंग के बीच में रेजोनेंस का चांस बहुत कम हो जाता है। रेजोनेंस का चांस कम होने की वजह से इस फिनाइल ग्रुप का जो प्लस एम इफेक्ट है, मींस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके सीओएच से रेजोनेंस कर रहा था, उसका चांस कम हो गया। और आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट कम हो जाएगा तो एसिडिफिकेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब हमारा ऑर्थो पोजिशन में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है तो सीओएच ग्रुप बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करता है, जिसकी वजह से हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ कम रहता है इसका। यहां पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, यहां पे एसिडिक हिंड्रेंस की वजह से हमारा सीओएच ग्रुप बेंजीन रिंग के आउट ऑफ द प्लेन हो जाता है, और बेंजीन रिंग का सीओएच के साथ रेजोनेंस का चांस कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिनाइल जो हमारा जो रिंग है
वो सीओएच को इलेक्ट्रॉन डोनेट कम करता है या नहीं करता है, जिसकी वजह से एसिडिक एसिड बढ़ जाता है। और चूंकि यहां पे एसिडिक हिंड्रेंस की वजह से होता है, तो एसिडिक हिंड्रेंस तो कोई भी ग्रुप प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, कोई भी ग्रुप प्रोड्यूस करेगा। इसलिए यहां पे जी के पास कोई भी ग्रुप रहे यह इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। हाँ, यह अलग बात है कि अगर ऑर्थो वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिक एसिड ज्यादा बढ़ेगा, अगर ऑर्थो वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तब भी तो बेंजोइक एसिड से एसिडिक एसिड ज्यादा होगा लेकिन इंक्रीमेंट कम होगा, यह अलग बात है। लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ बेंजोइक एसिड से हमेशा ज्यादा रहता है। ओके जी, यह हुआ ऑर्थो इफेक्ट। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। COH इनके एसिडिक एसिड का ऑर्डर देखते हैं। हमारे आयरन टू ग्रुप माइनस आई माइनस एम दोनों इफेक्ट शो करता है। हमारे मेटा पोजीशन पे ओनली यहाँ पे माइनस आई होगा, माइनस एम ऑपरेट नहीं होता है मेटा पे, यहाँ पे माइनस आई माइनस एम दोनों होगा। तो क्लियर सी बात है कि फर्स्ट ज्यादा एसिडिक थर्ड भी होगा, फर्स्ट मोर एसिडिक सेकंड भी होगा, फर्स्ट मोर एसिडिक फोर्थ भी होगा। लेकिन यहां पे सेकंड में क्या हो रहा है, ऑर्थो इफेक्ट भी हो रहा है और ऑर्थो पोजिशन पे माइनस आई और डोमिनेट भी होगा, इसलिए सेकेंड का एसिडिकेशन हमारे फोर्थ से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो सेकेंड का एसिडिकेशन हमारे फोर्थ से ज्यादा होगा। अच्छा, हाँ, कई बार बच्चा सोच सकता है कि सर यहां पे इंट्रा मोलिकुलर बॉन्डिंग नहीं होगा। तो नहीं, इंट्रा मोलिकुलर बॉन्डिंग हर जगह नहीं होता है, जहां भी होगा उस तरह का फिनोमेना आपको मैं बता दूंगा, जहां पे नहीं बताऊंगा वहां पे नहीं होगा, राइट। इसलिए यहां पे इंट्रा मोलिकुलर बॉन्डिंग कोई वैसा रोल नहीं है। सेकंड का एसिडिकेशन हमारे थोड़ा बहुत होता है यहां भी, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से यहां पे एसिडिकेशन बहुत बढ़ जाता है और इस वजह से सेकंड का एसिडिकेशन हमारे फोर्थ से ज्यादा होता है और फोर्थ से कम होगा थर्ड का, थर्ड से कम होगा फर्स्ट का। ओके, यह हुआ एसिडिकेशन का ऑर्डर। अब इसके बाद हम लोग सीओएच ग्रुप में और भी कई सारे ग्रुप कनेक्ट करके एसिडिकेशन का ऑर्डर देख सकते हैं। हम लोग बेंजोइक एसिड में अगर सी थ्री लगेगा तो क्या होगा, सी थ्री लगाया आप ऑर्थो पे, सी थ्री के पास प्लस एच इफेक्ट होता है और प्लस एच इफेक्ट भी होता है, मेटा पे लगा तो ओनली प्लस एच ऑपरेट होगा, पैरा पे है तो प्लस आई प्लस एच दोनों ऑपरेट होगा, राइट। सेकेंड में ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है तो ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिकेशन बेंजोइक एसिड से हमेशा ज्यादा रहेगा, इस वजह से फर्स्ट से मोर एसिडिक कौन हो जाएगा, सेकेंड। लेकिन लेकिन फर्स्ट से हमारा फर्स्ट जो हमारा है फर्स्ट जो हमारा इसका पी के का वैल्यू गलत है, हमारा फर्स्ट से मोर एसिडिक सेकेंड होगा क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है यहां पे, फर्स्ट से लेस एसिडिक थर्ड होगा क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट से लेस एसिडिक फोर्थ भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट से लेस एसिडिक सेकेंड को भी होना चाहिए था क्योंकि सेकंड में भी लगा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। लेकिन आप सबको मैं बताया हूं कि हमारा जो ये जो ऑर्थो इफेक्ट होता है, इस ऑर्थो इफेक्ट की वजह से
ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सेकेंड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा फर्स्ट से ज्यादा हो जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमारा ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिकेशन जो है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा हो जाता है, बेंजोइक एसिड ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज जो फेनोमेना हमारा सी3 के पास है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर है, उस वजह से एसिडिकेशन घटना चाहिए था, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से सेकेंड का एसिडिक स्ट्रेंथ हमारे फर्स्ट से ज्यादा होगा। तो यहाँ पे एसिडिकेशन का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिकेशन का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया हमारा कौन, सेकेंड, सेकेंड से कम होगा फर्स्ट, फर्स्ट से कम होगा थर्ड और सबसे कम होगा फोर्थ, क्योंकि फोर्थ में क्या हो रहा है जी, प्लस इफेक्ट भी हो रहा है और साथ में हाइपर कंजुगेशन भी हो रहा है, इसलिए ऐसा होगा। याद रखना यहाँ पे सेकेंड का एसिडिकेशन फर्स्ट से ज्यादा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट हो रहा है। ओके, अब इसके बाद ये लोग जो है यहां पे देखो, ये हमारा ओएच ग्रुप लगा हुआ ऑर्थो पोजिशन, ओएच के पास माइनस आई इफेक्ट होता है एंड प्लस इफेक्ट होता है, लेकिन जब ऑर्थो मेटा पे होगा तो ओनली इसका माइनस आई ही ऑपरेट होगा, पैरा पे होगा तो माइनस आई प्लस एन दोनों ऑपरेट होगा, राइट। अब चूंकि प्लस एम ग्रुप है, ओएच हमारा प्लस एम ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा, लेकिन ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हमारे सेकेंड का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से क्या होगा, ज्यादा हो जाता है, फर्स्ट से ज्यादा एसिडिक थर्ड होगा, क्योंकि यहां पे ओएच मेटा पे ओएच हमारा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, जिसकी वजह से हमारे थर्ड का एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि कहीं भी अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेगा। यही वजह है कि वो जब हमारा मेटा पे चला जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाता है, क्योंकि मेटा पोजिशन पे इसका ओनली आई इफेक्ट ऑपरेट होता है और आई इसका माइनस आई होता है, प्लस एम इफेक्ट इसके पास रहता है लेकिन मेटा पे प्लस एम ऑपरेट नहीं होता है, इसलिए मेटा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन और जब पैरा पे होगा तो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाता है, क्योंकि पैरा पे इसके पास माइनस आई प्लस एम दोनों रहता है और किसी ग्रुप के पास आई और एम दोनों इफेक्ट है, तो उसका नेचर एम इफेक्ट डिसाइड करता है और उस वजह से पैरा पे जब ओएच होगा तो यह प्लस एम ग्रुप है, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है। इसलिए अगर ऑर्डर की बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ का, यहां पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यह होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा होगा सेकेंड होता है, सेकेंड से कम हमारा जो एसिडिक होगा, सेकेंड से कम जो हमारा एसिडिक होगा थर्ड होगा, क्योंकि थर्ड पे माइनस इफेक्ट हो रहा है, थर्ड होगा, थर्ड से कम फर्स्ट होगा और सबसे कम हमारा कौन होगा, फोर्थ होगा। अब देख लो पीके का वैल्यू भी सपोर्ट कर रहा है, बेंजोइक एसिड का पीके का वैल्यू होता है 4.2, ओके 20 एक ही बात, ओके जी। अब जब हैलोजन लगा रहता है हमारे बेंजीन रिंग में तो क्या होगा, यहां देखो हैलोजन के पास माइनस आई प्लस इफेक्ट होता है, लेकिन मैं आपको बताया हूं कि हैलोजन दुनिया का सिंगल ऐसा ग्रुप है जिसके पास पॉजिटिव मेजोमेरिक इफेक्ट होने के बावजूद वह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्योंकि हैलोजन का माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, जब मेटा पे होगा तो ओनली माइनस आई होगा, जब पैरा पे होगा तो माइनस आई और प्लस एम दोनों होगा, तो क्लियर सी बात है। सेकेंड में ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हमारा फर्स्ट से ज्यादा हो जाता है, थर्ड में हमारा माइनस आई इफेक्ट है तो फर्स्ट से थर्ड भी ज्यादा होगा, फर्स्ट से ज्यादा फोर्थ भी होगा, क्यों जी, क्योंकि हमारा हैलोजन नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कंपाउंड में कनेक्ट होगा तो कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा, यही वजह है कि फर्स्ट से मोर एसिडिक फोर्थ भी होगा और एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर यह हो जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ।
सबसे ज्यादा एसिडिक हमारा हो गया सेकंड, ये डेटा लिखा हुआ है, सेकंड से कम होगा थर्ड, थर्ड से कम होगा फोर्थ, और सबसे कम होगा हमारा फर्स्ट। ओके जी, तो इस तरीके से हमारा एसिडिकेशन हुआ। अब एक और मैं आपको बेंजीन रिंग में जब दो सीओएच ग्रुप लगता है तो उसका एक एक्सेप्शनल एसिडिकेशन का ऑर्डर मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो जी, बेंजीन रिंग में हमारा वन सीओएच ग्रुप लगा हुआ है, इससे ज्यादा एसिडिक होगा जब बेंजीन रिंग में दो सीओएच ग्रुप लग जाएगा, क्योंकि ये हमारा सीओएच ग्रुप है, इसके एसिडिकेशन को हम लोग देख रहे हैं। दूसरा सीओएच ग्रुप के पास माइनस आई इफेक्ट होता है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, माइनस आई इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से इसका एसिडिकेशन क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए इससे ज्यादा एसिडिक क्या होता है, इससे ज्यादा एसिडिक क्या होता है जब दोनों सीओएच ग्रुप आपस में मेटारेटेड रहता है, इससे ज्यादा एसिडिक यह होता है जब दोनों सीओएच ग्रुप आपस में पैरा ऑर्थो रिलेटेड रहता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे रीजन यह है कि ऑर्थो इफेक्ट यहां पे होता है, इसकी वजह से एसिडिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इससे ज्यादा एसिडिक इसलिए होता है यहां पे क्योंकि सीओएच जो हमारा ग्रुप होता है इसका पास डोमिनेंट माइनस आई इफेक्ट ही होता है, तो जैसे जब ये पैरा पे है तो इसका इफेक्ट डिस्टेंस ज्यादा है तो इफेक्ट कम होता है, जब ये मेटा पे आया तो इफेक्ट इसका नजदीक आ गया थोड़ा इस सीओएच ग्रुप के रिस्पेक्ट में, तो माइनस आई इफेक्ट डोमिनेंट हो गया, इसलिए इससे ज्यादा एसिडिक हो गया। और जब वो ऑर्थो पे चला गया तो माइनस आई इफेक्ट और पावरफुल हो गया, ऊपर से ऑर्थो इफेक्ट भी होता है जिसकी वजह से इसका एसिडिकेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। ओके जी, इन लोगों का कॉमन नेम बड़ा पॉपुलर, याद रखिएगा, इसका कॉमन नेम होता है बेंजोइक एसिड, इसका होता है टेरेथैलिक एसिड, टेरे फैथैलिक लिखते हैं, थैलिक पढ़ते हैं, टेरेफैथैलिक एसिड, इसका नेम होता है आइसोफैथैलिक एसिड, पढ़ते हैं थैलिक एसिड, इसका नेम होता है थैलिक एसिड, लिखते हैं फैथैलिक, पढ़ते हैं थैलिक एसिड। ओके जी, इसके अलावा फिर मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सबसे जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, आप वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो लिखो कि सर अच्छा लग रहा है, और कुछ डाउट है तो भी लिखो। इस तरह से कमेंट करने से पढ़ाने वाले को मुझे लगता है कि मैं आप सबसे कनेक्टेड हूं और अच्छा फील होता है, और मैं भी इंस्पायर होता हूं और वीडियो बनाने के लिए जो आपका काम आसान करेगा, इसलिए आप सब जरूर ऐसा करो। और दूसरे को भी मेरे वीडियो के बारे में बताओ कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, दूसरे को भी बताओ, इससे होगा कि वो भी बेनिफिटेड होगा और मुझे भी नेम फेम मिलेगा। ओके, चलिए देखिए, अब दो और पॉपुलर हमारा एसिड है, एक हमारा एसिड है यह इसको बोलते हैं मलेइक एसिड, मलेइक एसिड, और यह होता है फ्यूमरिक एसिड। मलेइक एसिड फ्यूमरिक एसिड एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। पहले तो मैं बता दूं कि मलेइक फ्यूमरिक बड़ा पॉपुलर नेम है, तो आपको नेम याद रहेगा, बट कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें से मलेइक कौन है, फ्यूमरिक कौन है। तो जैसे मैं याद रखता हूं आपको बता दे रहा हूं, देखो मलेइक में ई है, ई लीटर है, ई फॉर इक्वल, इक्वल का मतलब सेम, सेम का मतलब सेम साइड, इसी तरीके से मैं याद रखता हूं, मीन्स
सेम ग्रुप सेम साइड है तो मलेइक है, सेम साइड नहीं है तो फ्यूमरिक है, राइट। यहां देख लो सीस है, दोनों सेम साइड रहता है। अब दोनों ही हमारे एसिड के पास दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दो दो एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों का अलग अलग डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा। अब पहला एसिडिक जो हाइड्रोजन है उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम लोग पी के वन से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे वाले को पी के टू से। तो देखो जी, फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकलेगा, मीन्स यहां से एच प्लस से बाहर निकलेगा, एच प्लस बाहर निकलने के बाद ए बनेगा। मैं इसको छोटे साइज में लिख रहा हूं क्योंकि जगह यहां पर कम हो गया है। H प्लस यहां से निकल गया, H प्लस निकलने के बाद O माइनस हो गया, यह अब इस हाइड्रोजन मेटेरियल पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन मेटेरियल निगेटिव है, इनके बीच में H बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्ड। अब इस एसिड का कंजुगेट बेस में से एच प्लस निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है, यह कंजुगेट बेस इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इस एसिडिक हाइड्रोजन का एसिडिकेशन बहुत ज्यादा होगा। जब किसी, क्योंकि आपको मैं बताया हूं कि अगर किसी एसिड का कंजुगेट बेस मोर स्टेबल हो गया तो उस एसिड को उस कंजुगेट बेस के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी हाई हो जाता है और उस वजह से एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाता है। यही बात यहां पे है, एच प्लस निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बन रहा है वो इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड से स्टेबलाइज हो जा रहा है, इसलिए इस हाइड्रोजन का एसिडिकेशन बढ़ जाता है, राइट। लेकिन फ्यूमरिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं होता, यहां से एच प्लस निकलने के बाद, मैं यहां भी साइज छोटा, जगह कम होने वाले छोटा साइज में लिख रहा हूं, एच प्लस निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बना कार्बोक्सिलेटेड आयन, यह कार्बोक्सिलेटेड आयन रेजोनेंस एच बॉन्ड से स्टेबलाइज नहीं होगा क्योंकि यह सीओएच ग्रुप इसके अपोजिट साइड है, दोनों के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए यहां पे ऐसा कोई इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड नहीं होगा, इसलिए यह कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, इसलिए हमारा मलेइक एसिड फ्यूमरिक एसिड से मोर एसिडिक होता है। लेकिन पहला एसिडिक हाइड्रोजन के लिए तो मैं यहां लिखूंगा पी के वन, क्योंकि जिसका एसिडिकेशन ज्यादा होगा उसके पी के का वैल्यू कम होता है, तो पी के वन ऑफ मलेइक एसिड, मलेइक एसिड लेस देन होगा पी के वन, पी के वन ऑफ मलेइक, मलेइक वो लेस देन वन होगा पी के वन ऑफ फ्यूमरिक, ओके जी। लेकिन सेकेंड हाइड्रोजन का एसिडिकेशन जब देखोगे तो हमारे इस मलेइक का सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड से एंगेज्ड है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड से एंगेज्ड है, इसलिए इसको बाहर निकलने का चांस कम हो जाएगा। लेकिन हमारे फ्यूमरिक एसिड का सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन किसी एच बॉन्ड से अट्रैक्टेड नहीं है, इसलिए फटाफट निकल जाएगा, इसलिए सेकेंड हाइड्रोजन जो हमारा सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो फ्यूमरिक एसिड का मोर एसिडिक होगा देन मलेइक एसिड, इसलिए इस बार क्या हो जाएगा पी के टू ऑफ मलेइक इज हायर देन पी के टू ऑफ फ्यूमरिक, ओके जी। तो इस तरीका से आप देख रहे हो कि मलेइक एसिड और फ्यूमरिक एसिड का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके एसिडिक हाइड्रोजन का फर्स्ट सेकेंड का अपोजिट हो जा रहा है, फर्स्ट एसिडिक हाइड्रोजन मलेइक का स्ट्रॉन्गर एसिड है और सेकेंड एसिडिक हाइड्रोजन हमारे फ्यूमरिक का स्ट्रॉन्गर एसिड है, ओके जी। यहां एक और बात मैं बता दूं इस वीडियो के कंक्लूजन में कि अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन खुद एच बॉन्ड फॉर्म किया हुआ इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड से एंगेज्ड है तो उसके वजह से एसिडिकेशन घट जाएगा, लेकिन किसी एसिडिक हाइड्रोजन के एच प्लस के निकलने के बाद, किसी एसिडिक हाइड्रोजन के निकलने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा अगर वह इंट्रा मोलिकुलर एच बॉन्ड से स्टेबलाइज हो रहा है तो उसके वजह से एसिडिकेशन बढ़ जाएगा, ओके जी। तो इस तरीका से एसिडिकेशन का वीडियो कंप्लीट हो गया, बहुत लंबा वीडियो हो गया लेकिन मजबूरी था बनाना, लंबा बनाना पड़ता तो, ओके, थैंक यू।